वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड. मेरे साथ है सागरिका छेत्री एंड दिस इज मी गुंजन सैनी. ड्यूरिंग द लेटेस्ट इंसिडेंट ऑफ नाना पाटेकर एंड तनुश्री दत्ता द हैशटैग वी आर लिसनिंग हैज बीन ट्रेंडिंग ऑन द इंटरनेट एंड इसी की वजह से देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस दैट हैव टेकन प्लेस. लॉट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु हैव कम आउट एंड शेयर देयर ओपिनियन. लेकिन रिसेंटली एक मराठी अवार्ड्स नाइट पर रेड कार्पेट पर जब सेलिब्रिटी से पूछा गया उनका क्या ओपिनियन है, सबसे पहले बात करने से पहले आइए दिखाते हैं व्हाट दे हैड टू से. But that was long back, no? Tanushri Datta episode was long back. That was about 10 years back. It was very shocking. Naturally, मुझे बड़ा शॉक लगा क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है तिरंगा में. तो आई डोंट वॉन्ट टू सी, मुझे इस पर कुछ कमेंट नहीं करना है बिकॉज नहीं करना चाहिए मुझे इस पर कमेंट. लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था क्योंकि नाना पाटेकर के साथ मैंने तिरंगा फिल्म की है और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. ऐसा कुछ एपिसोड मेरे साथ तो नहीं घटा है उनको लेकर. अभी क्या है, उन्होंने अभी काफ़ी सोशल वर्क करते हैं नाना, उनकी एक छवि रही है, अच्छी छवि रही है. तो मुझे मालूम नहीं, मुझे इस पे, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है नाना के साथ वो अच्छा रहा. सी यू नो, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई जस्ट काइंड ऑफ सर्फ्ड थ्रू द न्यूज़. आई डिड नॉट रियली गेट इन टू द निटिग्रिटीज ऑफ इट. एंड बिफोर कमेंटिंग ऑन एनी थिंग आई वुड रियली लाइक टू नो वॉट द बोथ साइड हैव टू से, बिकॉज यू नो मतलब हम लोगों को एक आदत हो गई है कुछ मसालेदार, कुछ यू नो अलग सा जब आप सुनते हो तो अरे ये क्या है, बस ऊपर से हम वो चीज़ को देखते हैं. बट एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जब आप दोनों पार्टीज को पूछेंगे तभी आपको सच का सच और झूठ का झूठ पता लगेगा. सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट एनीथिंग राइट नाउ, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इफ इट हैज हैपेंड और व्हाटएवर. मैं तो वहाँ था नहीं, मैंने आंखों से कुछ देखा नहीं. मैं जो अभी कानों से सुन रहा है और जो कानों से सुनते हैं उस पर तो विश्वास करना मुनासिब नहीं है. मैं एक ही मानता हूँ कि नाना पाटेकर जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं कम से कम 35 साल से जान रहा हूँ. वो क्या कर सकते हैं, क्या कर नहीं कर सकते, ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन नो कमेंट्स. आई हैव रिटन वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अबाउट नाना सर, सो थैंक यू सो मच. तनुश्री दत्ता कौन है? शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस. आई डोंट नो हर. तो मुझे लगता है कि नाना सर इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको जवाब देंगे, क्योंकि जितने लोग नाना सर को जानते हैं तो नाना सर से ऐसी चीज़ आज तक कभी हुई नहीं है, ना इसके आगे कभी होगी. ऑलवेज इज देयर टू सपोर्ट सोशल कॉज, एनी काइंड ऑफ सोशल कॉज. और अगर ये है तो मुझे लगता है कि शायद कोई पब्लिसिटी का ये हो. और मुझे लगता है कि ये सवाल नाना पाटेकर जी से ज़्यादा पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं पता, मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ. नहीं, मेरे ख्याल आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो, एंड वाई शुड आई ओनली नो द वन साइड ऑफ इट. आई शुड बी नोइंग both the sides of it for me to come to come some kind of a mindset. Opinion, baat ki baat hai. Okay, mindset. So unless I hear both the sides, I'll not be able to comment on it. See, I really feel that unless I know all the aspects of the story, I'm not in the right frame of mind to comment about it. So right now, I'd like to reserve my comment because I don't know both sides of the story. But in general, I definitely like to say that anything like this is definitely something that we don't look forward to. It's something that saddens all of us. But again, I don't know the whole story, so I don't know the validity of it. Or I really don't know kitna sach hai, kya hai, kitna kaun, kya. So unless I know all the aspects, I think it's really not fair on my part to comment about it. Well, I don't know the facts, so it'll be very inappropriate for me to comment anything. But if it's true, it's bad. If it's not true, it's still bad. So yeah, it needs to be treated, dealt with. Thank you. दिस इज़ अ वेरी पर्सनल इशू. मुझे नहीं पता है उनके साथ में क्या हुआ है. तो जब आपको पूरी चीज़ पता नहीं है तो उस पर कोई भी तरह का कोर्ट देना फेयर नहीं होगा. सो yeah. मैंने ये मैटर मुझे पूरा पता नहीं है. आई हैव हर्ड अबाउट इट सिंस मॉर्निंग बट आई हैव नॉट स्टडीड इट और आई हैव नॉट रेड मच अबाउट इट. सो बट एज फार एज नाना साहब इज़ कंसर्न, हमारे मराठी इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्राइड हैं और उन्होंने मराठी नॉट ओनली फॉर मराठी इंडस्ट्री बट फॉर एंटायर महाराष्ट्र थ्रू हिज नाम फाउंडेशन ही हैज़ डन सो मच ऑफ गुड वर्क. तो सर्टनली मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड होना जायज़ है या हो सकता है कि मैं लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा उसके बगैर मैं कुछ बोलना ठीक नहीं समझूंगा. Well, it's a
little disheartening to see these replies, Saga. Matlab, it's one thing, like we were also discussing in the morning, ki aisa ho sakta hai. Let's give people the benefit of doubt, ki unko is situation ke bare mein nahi pata. Bilkul. Like, jab tak hum logon ne Tanushree se baat nahi ki thi, even we felt it hard enough to recall ki 2008 mein aisa hua hai. There were lots of things that we had to put together, and aisa ho sakta hai ki jab aap apni movie promotion kar rahe hain, jab aap kisi cheez ke liye ja rahe hain, aur busy hai, to aapko nahi pata ki kya chal raha hai around you. Exactly. Yeah. So that is a point well taken. That's something we don't want to refute at. Lekin agar baat aati hai sexual harassment ki, agar baat aati hai assault ki, and knowing the kind of industry that we are in, knowing that the power play that goes on, if there is a situation like that which is given to you, I think I expected ki for that one second people will see it as a cause. Right. Ki agar koi baat kar raha hai, agar aisa hua hai, then chaliye investigate karte hai. Mera support jata hai for the fact that this should be talked about. And it kind of looked like they were busy brushing it off. No, I really want to tell to all the celebrities who have just, given their opinions in this way, we are not talking about your affairs. We are not asking you, are you dating somebody that aap kahoge ki no comments, yaar mujhe iske baare mein kuch pata nahi hai, toh I don't want to talk about it. Hmm. How can you not talk about it? Okay, fine. Like Gunjan said, ki we give you the benefit of doubt ki aapne iske baare mein suna hi nahi hoga. But jaise hi ek word jaise ki sexual abuse, sexual assault, aur baat ho rahi hai Bollywood ki, jis industry mein hum sab kaam karte hain, everybody is here, aur jaise hi words aapko sunne mein aa rahe hain sexual abuse, sexual assault, trauma, aur film industry ki baat ho rahi hai, how can you say ki mujhe iske baare mein nahi pata to main kuch nahi bol sakte, jabki aapko pata hai ki aapke itne followers hai, log aapko sun rahe hain, aapke opinion लोग फॉलो करना चाहते हैं, एंड यू कम आउट एंड से आई डोंट, आई मीन एट लीस्ट गिव इट योर ईयर, एट लीस्ट लिसन टू इट. दैट्स व्हाई हैशटैग वी आर लिसनिंग इज सो इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स टू ट्रेंड. डोंट जंप टू कंक्लूजंस. आई मीन यू आर स्टिल अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस. कौन मना कर रहा है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते? कौन कह रहा है कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं कह सकते कि ऑलराइट वी डोंट नो द होल स्टोरी, कि हो सकता है नाना पाटेकर गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी गर्ल ने, किसी लड़की ने आकर अक्यूज किया है, सुन तो लीजिए. इट कांट बी टेकन लाइटली. जस्ट इन योर हार्ट थिंक फॉर अ सेकेंड इफ शी इज ज्योली अ विक्टिम. Think about those 10 years of distress she had to go through. What did you do? You just added to it. You just dissed it one second. You didn't respect for the fact that what her struggle has been. Do you think how this also comes on to you? I mean, how do you stay shut and mum? Don't people say ki yaar agar aap kisi aur ko suffer karte ho dekhe, and the fact that you stay quiet, probably you're not adding to the suffering, but you're equally involved in that karma, because you did not do. You had a mouth. You had a follower ship. You had people who wanted to hear you. You could make a difference. But that's exactly what we're talking about. And कोई नहीं कह रहा यार जज बनो, नाना पाटेकर सही, नाना पाटेकर गलत, ये हम नहीं कह रहे. But at least have an opinion, because discussion होना जरूरी है. We need to start talking. We need to bring up these conversations, and we need to talk about it. Only then awareness will be created. Only then change can happen. क्योंकि mentality सबसे पहले हमें अपनी बदलनी. एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो रिस्पेक्ट रेणुका शाह ने जिन्होंने ये कहा. See, I have unfortunately never had a chance to work with either Nana or Tanushree Datta. So I don't know them personally at all. But even then, I do feel that if any woman, any actor, actress, or any woman in a work situation feels uncomfortable about anything in the workplace, I think everybody around should be much more sensitive about her, rather than slut shame her or, you know, kind of disregard her and disrespect her. It's possible that it could be something that was her perception, or it could have been true also for all you know, but we are nobody to say. But I don't believe that as a woman I would like to be slut shamed for my perception of a situation which makes me feel uncomfortable. So now things are coming out because of the Me Too, which has been a storm in Hollywood, and things might just come out. There'll be many skeletons coming out of various closets, but I feel unfortunately the time has gone for that incident. But I guess if all of us are supportive of a person coming out and saying that she was uncomfortable about certain things, we don't have to be callous about it. That's what I feel. I think the workplace generally, not just film industry, people think of it because we are constantly in the glare of media and people are interested in what we are doing. But I think any workplace, in fact, a lot of things, because we are in the media glare, things don't happen in our industry. They happen in the corporate sector. They happen in various sectors. I think all across we have to be much more respectful of
women's, you know, perceptions or discomfort about certain things. One can't take it for granted. Well, Saga, we just saw, right? This is her response when she didn't know what was really happening. Yeah. She didn't know what were the real facts about the incident, but she still had an opinion. She still spoke, ki yaar, mera support phir bhi jata hai. Lekin, she was one of those responsible actors jo ghar gayi, she did her homework, she found out what the situation was, yeah, and then spoke her mind, and I love her for that. Her first line, I think nothing more than that, but the first line had to come from somebody like her because nobody else could have said it the way she said. She says, Nana Patekar is known as much for his volatile temper as he is for phenomenal talent or a social service towards farmers. Hmm. Same insan, do pehlu. हो सकते हैं. एग्जैक्टली. और सबसे अच्छी बात मुझे उस पोस्ट की ये लगी कि वहां पर उन्होंने है डीकोड किया इस पूरे सिचुएशन को, जो एलिगेशंस लगे हैं उन्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में, बट शी सेड कि अगर हम सोचे इस टॉपिक के बारे में, तनुश्री तक क्या कह रही है, शी सेड दैट शी वॉज मिसहैंडल्ड, ऑफकोर्स देर वॉज अ सेक्शुअल मिसकंडक्ट दैट हैपेंड, बट नो बडी सॉ इट. बट सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि डांस स्टेप्स जो है इंटीमेट स्टेप्स वहां पर इंट्रोड्यूस किए गए थे, एंड तनुश्री दत्ता एज अ गर्ल एज एन एक्ट्रेस वॉज uncomfortable. क्या उस dance step को change किया जा सकता था? क्या गणेश आचार्य onus लेते और बोलते कि नहीं ठीक है, the girl is not comfortable, let's change the step for her. क्या director producer इसका ले सकते थे? क्या नाना पाटेकर जो उन्हें कहते हैं बेटी जैसी है, क्या वो बोल सकते थे ठीक है तनुश्री दत्ता is not comfortable this dance step, कुछ और करते हैं, sanctions करेंगे, कुछ और करेंगे. Let's make sure she's comfortable on the set. If she was really beti jaisi, why didn't he take that step to make her comfortable? She also goes and then talks about she also shares this video 2008 mein jo actually incident pe jo video khichi gaya hai ki jahan se unki car nikal rahi hai aur unke upar ye pura people are breaking her car down and she is sitting inside with her parents and they are literally on top of a car. If you've not seen the video, go to Google. 2008 का ये वीडियो है, इट्स वायरल राइट नाउ, किसी ने ये ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है एंड वी कैन सी इट ऑन आवर फोन्स राइट नाउ. गो चेक इट आउट बिकॉज इट्स अ रियली हॉरिफाइंग इंसिडेंट. एंड उसके बाद अब बताइए व्हाट यू थिंक योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर इशू इज. You know, Gunjan, कल भी एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था जहां काफी सारे लोग आए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री से, फ्रॉम डायरेक्टर्स टू द यंगस्टर्स ऑफ बॉलीवुड, वरुण धवन, स्वरा भास्कर, लेजेंडरी आशा भोसले, ऑल दीज गाइज हैड कम. लेट्स सी व्हाट दे हैड टू से. यू नो आई बीन वेरी बिजी विद सुई धागा, तो मैंने सब कुछ सुना नहीं है जो भी कहा है, बट आई जस्ट से दिस कि रिस्पेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्क प्लेस में, एक औरत के लिए, एक मर्द के लिए, एक बच्चे के लिए, और हमें अपनी इंडस्ट्री सेफ करना है. वी हैव टू मेक इट सेफ फॉर वीमेन, मैन एंड चिल्ड्रेन, एंड हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए. एंड मतलब आई डोंट नो टू मच अबाउट दैट इशू, तो मैं बहुत खुल के नहीं कहना चाहूँगा उसके बारे में. कवर तो हो रहा है हर जगह, बट आई जस्ट स्पीक अबाउट द रिस्पेक्ट फैक्टर. एंड अगर कोई इंसान इसके बारे में बोल रहा है खुल के, आई थिंक वी शुड हियर दैट पर्सन आउट. एंड यू इट टेक्स ग्रेट करेज टू टॉक लाइक दैट, सो आई अपलॉड दैट करेज. मुझे लगता है कि सेफ वर्किंग प्लेस हर इंसान, आदमी या औरत, उनका हक है. सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस हमारे समाज और हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे बहुत कम अटेंशन मिलता है और बहुत कम सीरियस बातचीत होती है इसके बारे में, और हम ज़्यादातर करके एक्चुअली अनअवेयर रहते हैं इसके बारे में. मुझे लगता है इस मुद्दे पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पॉसिटी है, सो आई थिंक दैट अच्छी चीज़ है कि ये बातें बाहर आ रही हैं और हमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसके बारे में बात करनी चाहिए और एक करेक्टिव रूप से अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाना चाहिए. एंड जैसा कि मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया, सो या आई मीन सिस्टम में गड़बड़ ऐसा नहीं है कि अभी है, पहले नहीं था. वो हमेशा से इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी ढगे छुपे, कभी पब्लिक में. इनको दबाना भी गलत है मगर उछालना भी गलत है. मगर सच्चाई जान करके इनका बयान करना और सच्चाई जान करके अपनी राय बनाना और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी की शिकायत अगर होती है इस चीज़ों के बारे में, तो यू शुड नॉट काउंट इट आउट, एंड आई डोंट थिंक दैट वी शुड साइलेंस दोज वॉइसेस. बट आई फील वेरी स्ट्रांगली कि मैंने कभी बॉलीवुड की सपोर्ट की ज़रूरत मांगी नहीं है, कभी भी. आई एम माई ओन वुमन, एंड अगर कोई आदमी या कोई शख्स मुझसे अगर बदतमीजी करे, मैं सीधा कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाऊँगी. मैं ना बॉलीवुड की सपोर्ट चाहती हूँ ना मांगती हूँ. तो आई थिंक टू एक्सपेक्ट बॉलीवुड स्टैंड देयर और नॉट स्टैंड देयर is something that is I find it very frivolous conversation. कि आपने support किया, आपने नहीं support किया. So if you believe strongly in what you stand for, then go out there. क्योंकि सच को PR की ज़रूरत नहीं पड़ती है.
truth does not need PR. Truth like fire just burns. So if you believe in your truth, go out there and speak it strongly, and do not expect anybody in the world to be holding your hand and supporting you. Chahe actress ho, chahe assistant director ho, chahe director ho, chahe editor ho, chahe sound recorders ho, camera mein aaye aur auratein aaye aur unko mahol milna chahiye jahan unke upar matlab bataur wo professional dekhi jaye aur unko wo mahol mile jahan wo surakshit mehsoos kare. Ye bahut zaruri hai aur mujhe koi isme बोलने में कोई बात सही है इसमें क्या बोलने में चाहिए. औरतों पे काफ़ी काफ़ी अरसे से मतलब काफ़ी सदियों से जुल्म हो रहा है. उनको खाली किचन में ही मतलब खाना ही पकाओ और बच्चे पैदा करो और कुछ बोलो मन ऐसे रखा हुआ है. तो उनसे बाहर औरत आनी चाहिए जैसे मैं आई. हाँ. मैंने किचन भी संभाला बच्चे भी पाले लेकिन बाहर मैं मतलब मेरा करियर बनाया. दुख बताना चाहिए जुल्म जो हुआ है वो बताना चाहिए. नहीं बताएंगे तो जो करने वाले हैं उनको तो छुट्टी मिल जाएगी. तो ये अच्छा है कि औरतें बात करें. Well, I think there is some silver lining here, Saga. Ultimately, at least these new age actors, filmmakers, even somebody as legendary as Asha Bhosle, didn't mince their words. They spoke it. I mean, agar unko nahi bhi pata tha, they also spoke about that what courage it takes to come out. Absolutely. And talk about these things. And I love that Varun said ki yaar, chahe kuch bhi ho, the industry has to be a safe place. And if it's not, then let's have a conversation around it. Absolutely. Karthik Aaryan said, we should voice out our opinions. Swarabh Bhaskar ne bhi kaha that sexual harassment at workplace is intolerable. Doesn't matter if it's the film industry or a corporate world, it shouldn't exist. But you know what amazed me was Madhuri Dixit didn't stay back for an interview. She did not stay back for She's any media bite. She's always been the non-controversial leading lady of Bollywood, and sadly, times badal chuke. And while I've been like a big fan of Madhuri, I think this is one characteristic of hers which has now started to annoy me, because I wonder that if you could be such a big global icon, right? How can you not take that moment? I mean, mana sab controversy se hatna chahte hain, but kuch jagah par na, you have to have an opinion, and that's something that I'm not agreeing with her. Lekin on the other hand, jis tarike se dusre log bahar aaye and they actually said that ab we should start conversations, that was commendable. It's time for a short breather on Planet Bollywood, but you stay put because we'll be back within a minute. Bollywood mein, let's take a quick look on the style segment, starting with Farhan Akhtar, who looked simple, comfy and not shying away from the pink. He paired his pink tee with grey runners and black flares, simple and comfy. Vahi Manushi Shiller, Miss World 2018, was channeling her yellow sunshine vibe with that smile and that cute bag. She was seen wearing a wide off-shoulder top with navy blue pants with ankle-length white boots. We also spotted Kareena Kapoor Khan, who was at a casual best. She wore a white Good News printed tee, paired it with light blue denims and strappy heels. Golden hoops and hair tied in a bun, she definitely looked gorgeous. Wahi Nick Jonas looked uber cool in a white printed tee with black jacket over it. He paired them with black denims, black cap and sunnies to add up to the look. Can I say Daisy Shah was looking as fresh as taking a walk in the park? No kidding, but love the floral print ruffle dress with white sneakers. She carried a black handbag and the sunnies to complete the look. Vahi Varun Dhawan showed up in this classy avatar. He was wearing black printed tee with navy blue blazer and pants set with black boots. He definitely killed in this look. Well, हमने अर्जुन कपूर को भी स्पॉट किया, who always keeps it simple when he travels. He wore a black funky tiger print tee paired with blue denims and black lace boots, rectangular sunglasses. He looked all set to go. वही when you talk about airport looks, I think Parineeti keeps it quite stylish yet simple. White and blue sporty turtle neck top with black pants and white sport shoes. The blue sunnies added the edge to the look. On that note, we give all our celebrities a big thumbs up from Zoom and Myntra. Well, this brings us to the end of the show. Lekin jaane se pehle, let's tell you what are we wearing for today's show. I'm wearing this maroon velvet dress, which I've paired with bare minimal gold accessories and a black strappy heel. And I'm wearing a black one-shoulder gown from All About You with pink tassel earrings and black strappy heels. And if you like our looks, go check it out on Myntra. This is me, Sagarika Chetri, signing off. And this is me, Gunjan Saini. We'll meet you same place, same time tomorrow. Until then, keep watching Zoom, styled by Myntra.